आज के सेशन में हम सीखेंगे टैली प्राइम में ग्रुप कंपनी फीचर का यूज कैसे किया जाता है। दोस्तों, ग्रुप कंपनी फीचर का यूज मल्टीपल ब्रांचेस, सब्सिडरीज और सिस्टर्स कंपनीज को एक साथ एक ग्रुप में देखने के लिए किया जाता है। इस फीचर की हेल्प से हम सभी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस की एक कंसोलिडेट समरी को आसानी से एक ग्रुप कंपनी क्रिएट करके देख सकते हैं, जिससे ना तो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स में कोई इफेक्ट आता है और ना ही हमें कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करने की आवश्यकता होती है। एक ग्रुप कंपनी क्रिएट करने के लिए अल्टर के ऑप्शन से हम क्रिएट ऑप्शन में जाकर एक ग्रुप कंपनी के नाम से कंपनी क्रिएट करेंगे और मेंबर कंपनीज को ग्रुप में ऐड करने की वन बाय वन सभी मेंबर्स को ऐड कर लेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेंगे। अब यदि हम कंसोलिडेट बैलेंस शीट को देखना चाहते हैं तो ग्रुप कंपनी के बैलेंस शीट रिपोर्ट में जाकर अल्टर एन प्रेस करके कंपनी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जिससे हम कंपैरेटिव रिपोर्ट आसानी से व्यू कर सकते हैं। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में जाकर और ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट में जाकर कंपैरेटिव व्यू देख सकते हैं। अगर यदि हमें किसी मेंबर कंपनी को रिमूव करना है तो मेन्यू ऑप्शन से कंपनी के अल्टर ऑप्शंस में जाकर मेंबर कंपनी से रिमूव भी कर सकते हैं, और यदि हम ग्रुप कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो अल्टर डी प्रेस करके आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।